हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस साइड शुभम। और पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज मैं एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो भी पेपर टू की ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर टू लिखा भी है। तो ये पेपर टू की वीडियो है, और इसका एक बार हम थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। जो इसका निर्देश है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों यानी कि 1 से 30 तक के उत्तर देने हैं, और सही और सबसे उपयुक्त विकल्प ही चुनना है। तो आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे, और 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम देर ना करते हुए सीधा इन क्वेश्चंस को करते हैं। और गाइस, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि इंग्लिश में है, अगर आप देखना चाहें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। बट अगर आपका हिंदी है, जो आपने लैंग्वेज सीटेट के लिए हिंदी लिया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था, यानी कि कल मैंने तुम्हें लंच खिलाया था तो आज तुम्हें अपना लंच मुझे खिलाना चाहिए, ऐसा तान्या ने कहा। अब उसके बाद होता है कि जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं, तो इनका जो एक मॉरल डेवलपमेंट यानी कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसके अनुसार नूर का जो कथन है वो क्या है, मतलब इसमें से उसका हमें अभिविन्यास और प्रारूप को हमें क्या अवस्था पर दर्शाता है। तो इसके हम सारे एक बार आंसर देख लेते हैं। तो जो पहला है वो है कानून एवं व्यवस्था, तो ये नहीं है। दूसरा है आज्ञा पालन यानी कि पूर्व परंपरागत नहीं। थर्ड है अच्छा होना, परंपरागत नहीं। तो जो फोर्थ है वो है आदान प्रदान, यानी कि ऑब्वियसली अगर पहले दी खिलाया था तो आज वो खाने के लिए बोल रही है, तो ये आदान प्रदान होगा। तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है वो है डी। पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जनसामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिंपली आपको बताते हैं, जेंडर विविधीकरण तो होगा नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, यानी कि जेंडर भूमिकाएं। अभी बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानी को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिनमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है, तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे अगर NCERT में, CBSE में यानी कि सारी बुक्स में अगर ऐसी कहानियाँ आ रही हैं, हमारे करिकुलम में अगर ऐसी कहानी आ रही, तो जाहिर सी बात है ये जो जेंडर का रूढ़िवाद है इसको समाप्त करना चाहते हैं ये लोग, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग, उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका आंसर बी होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन इसका देख लेते हैं हम। तो पहला ऑप्शन है खोजपूर्ण अधिगम, दूसरा है समीपस्ट विकास का क्षेत्र, थर्ड है पाठ ढांचा, तो या फोर्थ है अंतः व्यक्तिनिष्ठ। नहीं, इसका जो आंसर है वो होगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो इसका हम देखते हैं जो करेक्ट आंसर है वो है, पहला देखते हैं संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि टोटल 4 स्टडीज इन्होंने दिए हैं पियाजे ने, तो इसका होगा जो होगा वो फॉर्मल यानी कि अमूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है ये होगा, तो आंसर इसका डी है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो अगर हम इसकी बात करें, जहाँ पे सामाजिक की बात आ गई, तो आप सबको पता है कि वो वाइगोत्स्की जी ही होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वाइगोत्स्की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेवंथ क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड यानी कि 6 to 8 के जो शिक्षक हैं को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को कुछ ऐसे, अब देखते हैं कि शिक्षक ऐसा क्या करेगा जो 6 to 8 क्लास का अगर कोई बच्चा है। तो इसका एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है तार्किक बहस का प्रयोग को हतोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं करेगा ऐसा वो। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। अभी हम आते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो आठवां क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार
तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? तो देख लेते, ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ की प्रति संवेदनशीलता नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने का की योग्यता नहीं। फिर है संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर ताल और सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने की एवं प्रशंसा करने की योग्यता नहीं। तो इसका हम जो ऑप्शन है ये देखते हैं, फोर्थ पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? तो एक बार आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसे वो समाजीकरण बनाती है, तो इसका जो आंसर है वो होगा ए। बढ़ते हैं दसवें क्वेश्चन की तरफ। तो दसवां क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, मानव विकास के संदर्भ में अनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसके चार ऑप्शंस इसके भी हैं, एक बार आप ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण अनुवंशिकता है, नहीं, परिवेशीय या प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। आगे देखते हैं, मानव विकास को ना तो अनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभाव प्रभावित करता है। ओके, तो इसका हम अभी लास्ट देखते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल, बिल्कुल इसका ऑप्शन यही है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट और हाइड्रेटरी दोनों एक साथ आ गए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ। ग्यारहवां क्वेश्चन हमारा है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरक्षा की जाती है, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में तो विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। और सेकेंड ऑप्शन जो इसका है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारा फर्स्ट ही, विद्यार्थी के द्वारा ही ज्ञान की संरचना की जाती है, क्योंकि हमारा जो अगर बोलते हैं कि टीचर एक फैसिलिटेटर होता है, जो पैसिव वर्क होता है एक बच्चे का होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, इसका ए होगा। बढ़ते हैं बारहवें क्वेश्चन की तरफ। बारहवा क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र यानी कि सीसी समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? इनमें से कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ है जो इसमें शामिल है? देखते हैं, केवल संरचनात्मक आकलन नहीं, ना संकलात्मक, केवल संकलात्मक नात्मक यानी कि समेटिव और फॉर्मेटिव भी हो गए। तो अगर हम बात करें तो ना तो संरचनात्मक और ना ही संकलात्मक संकलनात्मक आकलन ये भी नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ होगा। जी हाँ, फोर्थ आंसर है इसका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्रों में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, यानी कि जो जिस माहौल में वो रहता है वो लोग लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, वो छोटी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसी रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवाद आशंका को के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक का क्या पहल करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो इसका आंसर देख लेते हैं, इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच ये भी नहीं होगा, कोई अगर हम उनका कोई प्रतियोगिता आयोजित करें तो उससे भी कोई हमें हल नहीं मिलेगा। बट इसका डी देखते हैं, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से यानी कि जो गरीब लोग हैं और आज वो काफ़ी अमीर बन चुके हैं, उन्होंने काफ़ी नाम किया हमारे देश का, ऐसे लोगों की कहानी सुनाना चाहिए, तो वो ऑब्वियसली वो बहुत वर्क करेगा। अब हम देख लेते हैं इसके आगे 14वां क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक जो समावेशी है जहाँ पे बहुत हर टाइप के बच्चे हैं जिस क्लासरूम में, वहाँ पे एक टीचर को क्या करना चाहिए? या विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चों में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है? अच्छा, वैसे तो मुझे यही सही लग रहा है, बाकी बाकी भी देख सकते हैं। असत्य अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना,
क्योंकि आप इससे यही पता चलता है कि आप एक टीचर हैं ही नहीं, आपकी जो मेंटेलिटी है वो बहुत छोटी है। तो प्लीज़ आप इसको मत कर दीजिएगा। अब इस ऑप्शन को तो हम अभी के अभी ही मिटा देते हैं, ये मिटा ही दो। उसके बाद देखते हैं, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, आप बिल्कुल ये चीज़ भी नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमने अभी पहले भी बोला था, ए ही होगा। अब देख लेते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, तो अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी कि पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों के को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने की में कठिनाई, ये किसके सूचक है, मतलब इससे क्या पता चल रहा है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन एक हो गया, एक समलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम आसक्ति वाले विद्यार्थी के, यानी कि मानसिक, उसके बाद है फोर्थ मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। तो जो 15वें का ऑप्शन है वो सी है, यानी कि अधिगम आसक्ति, यानी कि उस बच्चे का जो पढ़ने का मन नहीं होता, उसको पढ़ने से थोड़ा फियर है, तो ये होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई गाइस, तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी अपनी पढ़ाई कर पाएँ। और मिलते हैं हम नई वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया।